हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर वन एंड टू क्वेश्चन नंबर वन लिस्ट फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन यहाँ गिवन है इनके बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर्स निकालने हैं फर्स्ट पार्ट माइनस वन एंड जीरो रेशनल नंबर इज इक्वल पी अपॉन क्यू ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो क्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगी या क्यू की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होती है जैसे वन टू थ्री इस टाइप से इंफिनिटी तक हो सकती है इस टाइप की फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कहेंगे सबसे पहले इनको हम गिवन नंबर्स को रेशनर नंबर में चेंज करेंगे माइनस वन अपॉन वन एंड जीरो अपॉन वन इनको हमने रेशनल नंबर्स में चेंज कर लिया अब हमें फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं माइनस वन है और जीरो इनके बीच में कोई गैप नहीं है जब गैप नहीं होता है जितने भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे एक हम अधिक लेते हैं एक नंबर हम अधिक लेते हैं यहाँ पे फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने है तो हम सिक्स लेंगे तो सिक्स से मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे इसी टाइप से हम जीरो अपॉइंट वन है इसमें भी हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में इज इक्वल सिक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे तो माइनस सिक्स अपॉन सिक्स एंड जीरो को मल्टीप्लाई सिक्स में करेंगे तो जीरो जीरो अपॉइंट सिक्स हो गया बिटवीन डेसिमल नंबर्स लिखेंगे माइनस फाइव अपॉइन सिक्स माइनस फोर अपॉइन सिक्स माइनस थ्री अपॉइन सिक्स माइनस टू अपॉन सिक्स और माइनस वन अपॉन सिक्स ये आंसर हो गया। हम चाहें तो इनको लोअर स्टर्म में भी चेंज कर सकते हैं यदि आप लोअर स्टर्म में चेंज करके आते हैं तब भी सही है इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस फाइव अपॉन सिक्स इसको लोअर स्टर्म में चेंज कर लेंगे टू टू जा फोर टू थ्री सिक्स इसको भी हम लोअर स्टर्म में चेंज कर लेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स इसको भी हम लोअर स्टर्म में चेंज करेंगे टू वन जै टू टू थ्री जा सिक्स और माइनस वन अपॉन सिक्स ये आंसर हो गया आप एग्जाम में इस टाइप से भी लिख सकते हो और इस टाइप से भी लिख सकते हो दोनों ही आंसर करेक्ट है माइनस टू एंड माइनस वन अब इनको हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे माइनस टू अपॉन वन एंड माइनस वन अपॉन वन अब इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है तो हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव डेसनल नंबर फाइंड करने हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अब बिटवीन रेसनल नंबर लिख लेंगे माइनस इलेवन अपॉइंट सिक्स माइनस टेन अपॉन सिक्स माइनस नाइन अपॉन सिक्स माइनस एट अपॉन सिक्स माइनस सेवन अपॉन सिक्स ये हमारे फाइव रेसनल नंबर्स हो गए ये आंसर हो गया इनको हम लोअर स्टर्म में चेंज कर सकते माइनस इलेवन अपॉन सिक्स टू से टू फाइव जा टेन टू थ्री जा सिक्स आप थ्री से थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स टू से इसे लोअर स्टर्म में चेंज करेंगे टू फोर जा एट टू थ्री जा सिक्स माइनस सेवन अपॉइंट सिक्स इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं थर्ड पार्ट माइनस फोर अपॉइंट फाइव एंड माइनस टू अपॉइंट थ्री अब हम यहाँ देखें ये रेशनल नंबर तो गिवन है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम एल्सियम लेंगे थ्री एंड फाइव का थ्री से थ्री वन जी फाइव 5 5 बन जाए फाइव गया थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल फिफ्टीन माइनस फोर अपॉन फाइव यहाँ फिफ्टीन है डिनोमिनेटर को हम फिफ्टीन के इक्वल करेंगे तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में माइनस टू अपॉन थ्री डिनोमिनेटर में हमें फिफ्टीन लाना है तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अपॉन अपॉन एंड अब यहां पर देख रहे हैं कि एक का गैप है माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन का और हमें निकालने फाइव रेशनल नंबर्स तो यहां रफली देखेंगे जैसे माइनस ट्वेल्व यदि हम टू से मल्टीप्लाई करें एंड माइनस टेन में भी टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये ट्वेंटी फोर है एंड इधर क्या है माइनस ट्वेंटी तो इसमें सिर्फ थ्री रेशनल नंबर्स निकलेंगे फिर हम थ्री से करके देखें एंड माइनस टेन इंटू थ्री हम दोनों साइड में हम थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर लिए ट्वेल्थ थ्री जा थर्टी सिक्स एंड टेन थ्री जा थर्टी यहाँ पर हमारे फाइव रेशनल नंबर्स है तो एक रफ आइडिया इस टाइप से करके हम देख सकते हैं ये रफ है अब दोनों रेसना नंबर में हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई थ्री नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे एंड माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी फाइव एंड माइनस थर्टी अपॉन फोर्टी फाइव अब बिटवीन रेशनल नंबर्स लिखेंगे माइनस थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फोर अपॉन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री अपॉन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी टू अपॉन फोर्टी फाइव और माइनस थर्टी वन अपॉन फोर्टी फाइव एक आंसर ये हो गया इनको चाहे तो हम लोअर स्टर्म में लिख सकते हैं तुम्हें यहाँ टर्म में करके लिख के दिखा रही हूँ माइनस थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी फाइव है तो फाइव से ये कैंसिल ये, ये चेंज नहीं होंगे इसको हम एज इट इज लिख देंगे ऐसे ही लिख देंगे माइनस थर्टी फोर अपॉन फोर्टी फाइव ये थ्री से डिविजिबल हो जाएंगे माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन एज इट इज लिख देंगे माइनस थर्टी टू अपॉइंट फोर्टी फाइव और इसको भी ऐसे लिख देंगे माइनस थर्टी वन अपॉइंट फोर्टी फाइव आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट वन अपॉइंट टू एंड टू अपॉइंट थ्री यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम तो लेंगे एलसीएम इज एक इक्वल सिक्स आ जाएगा इस टाइप से करके टू एंड थ्री टू से टू बन जा थ्री और थ्री बन तो एलसीएम आ गया टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल सिक्स आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे वन अपॉन टू सिक्स लाने के लिए हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टू अपॉन थ्री थ्री टू सिक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में यहां पर हो गए थ्री अपॉन सिक्स एंड फोर अपॉन सिक्स यहाँ पे कोई गैप नहीं है जब गैप नहीं होता हमें फाइव रेजिशनर नंबर फाइंड करने है तो हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में थ्री मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स एंड फोर अपॉन सिक्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स से सिक्स थ्री जाए एट्टीन सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स एंड सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स अब इनके बिटवीन नंबर्स लिख लेंगे अपॉन ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी सिक्स ट्वेंटी थ्री 23 थर्टी सिक्स ये फाइव रेशनल नंबर्स हो गए ये आंसर हो गया अब इनको लोअ में चेंज कर लेंगे नाइनटीन अपॉन थर्टी सिक्स ये फोर से फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर नाइन जा थर्टी सिक्स तो फोर अपॉन नाइन यहाँ थ्री से कैंसिल हो जाएगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी सिक्स को लो एस्टर्म में चेंज करेंगे तो इलेवन अपॉन एटीन इसको हम एज इट इज लिख लेंगे ट्वेंटी थ्री अपॉन थर्टी सिक्स ये आंसर हो गया इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट राइट फोर मोर रेशनल नंबर्स ये पैटर्न गिवन है और हमें इनके आगे के फोर रेशनल नंबर्स लिखने माइनस थ्री अपॉन फाइव माइनस सिक्स अपॉन टेन माइनस नाइन अपॉन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी अब फोर लिखने हैं तो वन टू थ्री एंड फोर अब नोमिनेटर में देखेंगे यहाँ पर थ्री है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन फिफ्टीन इस पैटर्न में देख रहे हैं कि नोमिनेटर में थ्री की टेबल लिखी जा रही है थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और सभी में हम माइनस लगा देंगे क्योंकि नोमिनेटर में यहाँ माइनस है डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि फाइव की टेबल लिखी जा रही है तो फाइव वन जे फाइव फाइव टू से टेन फाइव थ्री से फिफ्टीन फाइव फोर से ट्वेंटी फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स से थर्टी फाइव सेवन जे थर्टी फाइव फाइव एट से फोर्टी तो फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया अब सेकेंड माइनस वन अपॉन फोर माइनस टू अपॉन एट और माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व माइनस वन फोर माइनस टू अपॉन एट और माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व फोर रेशनल नंबर लिखने इस पैटर्न को देखते हुए वन टू थ्री एंड फोर अब नोमिनेटर में देख रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसके नेक्स्ट आएगा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन अब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि फोर की टेबल्स है फोर वन जै फोर फोर टू जै एट फोर थ्री जे ट्वेल्व फोर फोर जे सिक्सटीन फोर फाइव जै ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर फोर सेवन जै ट्वेंटी एट तो ये सेकेंड पैटर्न हो गया अब थर्ड पार्ट माइनस वन अपॉन सिक्स टू अपॉन माइनस ट्वेल्व थ्री अपॉन माइनस एटीन फोर अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर फोर रेशनल नंबर लिखने वन टू थ्री फोर अब नोमिनेटर में देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन पे माइनस नोमिनेटर में है लेकिन सेकेंड और थर्ड फोर्थ पे नहीं है तो हम आगे लिख देंगे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि सिक्स की टेबल है सिक्स सिक्स टू जाए ट्वेल्व सिक्स थ्री जाए सिक्स फोर जाइव जा थर्टी सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स सिक्स सेवन जा फोर्टी टू सिक्स एट जाए फोर्टी एट पर माइनस लगे हुए तो हम आगे माइनस लगा देंगे इस टाइप से तो ये आंसर हो गया अब फोर्थ पार्ट माइनस टू अपॉन थ्री टू अपॉन माइनस थ्री फोर अपॉन माइनस सिक्स सिक्स अपॉन माइनस नाइन हमें आगे के फोर रेशनल नंबर्स लिखने हैं ये कंफ्यूज करने के लिए टू रेशनल नंबर सेम लिख रखे नोमिनेटर में देख रहे हैं कि टू से मल्टीपल्स हैं टू फोर सिक्स फिर एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन अब नोमिनेटर में देख रहे हैं कि वो थ्री के मल्टीपल्स हैं थ्री सिक्स नाइन फिर ट्वेल्व फिफ्टीन एट्टीन एंड ट्वेंटी वन गिवन पैटर्न को देखते ही हमें आगे के फोर रेशनल नंबर लिखने थे Thank you. Have a nice day.